तो छत्तीसगढ़ में इस वक्त की जो है सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, सबसे बड़ी अपडेट। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी के द्वारा शुरू होगा ये 3 नए महत्वपूर्ण योजना, और इन लोगों के खाते में जो है पैसे ट्रांसफर जो है किए जाएंगे। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ में विष्णु देसाई सरकार के द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा आप सभी के लिए ही काफी महत्वपूर्ण अपडेट, आप सभी के लिए ही काफी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, काफी महत्वपूर्ण मैनिफेस्टो जो है देखने को मिला था। जब बीजेपी ने इलेक्शंस लड़ा था, चुनाव के टाइम ही सबसे पहले जो महत्वपूर्ण वादे थे उन सभी वादों को जो है पूरा किया जाएंगे। जी हाँ, सबसे पहले अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन को शुरुआत होने वाली है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के सभी किसानों का बैंकों का जो है कर्जा माफ होने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जितने भी किसान हैं जिन्होंने चुनाव के टाइम बहुत ज्यादा लोन ले रखा था, कि जब गवर्नमेंट चाहे कांग्रेस की आएगी या बीजेपी की आएगी, हम सभी किसानों का तो कर्जा माफ होगा ही, तो ये सोचकर जो है सभी किसानों ने बैंकों से कर्जा ले लिया था, बैंकों से केसीसी लोन उन्होंने जो है कर्जा ले लिया था, लोन लिया था। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि बिल्कुल अब टेंशन लेने वाली बात नहीं है अगर कांग्रेस की पार्टी जीती, क्योंकि तो कांग्रेस पार्टी इस बार सिर्फ 35 सीटों पर सिमट कर रह गई। तो अब जो है बीजेपी की सरकार आ चुकी है, अब जो है बीजेपी की गवर्नमेंट आ चुकी है, तो बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा भी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा भी आप सभी किसानों का, सभी बैंकों का जो है 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ जो है देखने को मिल पाएगा। आप सभी के लिए जितने भी अपडेट होते हैं, आप सभी के लिए जितने भी घोषणा पत्र होते हैं, जितने भी चीजें जो आप सभी के लिए निकल के आते हैं, वो हर एक चीज, वो हर एक अपडेट आप सभी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। एक के बाद एक आप लोगों के लिए जितनी भी चीजें जो होती हैं, वो हर एक अपडेट जो है, वो हर एक मैनिफेस्टो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आप लोगों से जो वादे थे, जो किसानों का बैंकों का कर्जा माफी को लेकर 2 लाख रुपए तक, वो भी आप सभी के लिए होने वाला है, तो आने वाले टाइम में और भी काफी इम्पोर्टेंट होगा। इसके अलावा भी जितने भी स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, भर्ती परीक्षा एग्जाम्स की स्टडी करते हैं, प्रिपरेशंस करते हैं, तो 1 लाख पोस्ट भी आप सभी के लिए होने वाला है। जी हाँ, जो भी स्टूडेंट जो व्यापम कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, भर्ती परीक्षा एग्जाम्स की स्टडी करते हैं, प्रिपरेशंस करते हैं, काफी लोग होते हैं जो लगातार जो है प्रिपरेशंस करते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाता, तो स्टूडेंट जो है काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यार हमारा हो पाएगा फिर नहीं हो पाएगा। तो आप सभी के लिए जितने भी अपडेट हैं, चाहे अगर हम बात करें तो जो भी स्टूडेंट जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट जो भर्ती परीक्षा एग्जाम्स की स्टडी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट यही चाहते हैं कि यार हमारा सिलेक्शन हो पाए, हमें गवर्नमेंट जॉब मिल पाए, हमें सरकारी नौकरी मिल पाए, इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट जॉब मिल पाएगा, डेफिनेटली आपको सरकारी नौकरी मिल पाएगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट यही चाहता है कि उनके फ्यूचर जो है ब्राइट हो, उनको एक अच्छा खासा सैलरी मिले। कम से कम अगर उन्हें 20,000 रुपये भी अगर प्रति महीने सैलरी मिल रहा है, तो इससे छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी बड़ी राहत होगा, और जिससे वो अपने माँ बाप के, अपने भाई बहनों के सभी सपनों को भी पूरा कर पाएंगे। जी हाँ, 18 से 20 हज़ार रुपये सैलरी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है देखने को मिल पाता है। जी हाँ, तो आप सभी के लिए जितने भी ब्रेकिंग न्यूज़ होते हैं, जितने भी अपडेट होते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, आप बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा जो आप सभी के लिए अपडेट निकाले जाते हैं, वो हर एक अपडेट आप सभी के लिए हर एक महीने में इम्पोर्टेंट होता है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जब आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं ना, जब आप सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं, एग्जाम्स की स्टडी करते हैं, एग्जाम्स के प्रिपरेशन करते हैं, कभी भी ये चीजें बिल्कुल भी मत सोचना कि कॉम्पिटिशन एग्जाम हमसे क्वालिफाई हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, हम आगे बढ़ पाएंगे या फिर नहीं बढ़ पाएंगे, हमारे सपने पूरे हो पाएंगे या फिर नहीं पूरे हो पाएंगे, हमारे ड्रीम्स पूरे हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। हम जिंदगी में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे हैं, हम हार्ड वर्क बहुत ज्यादा कर रहे हैं, अब हमें सफलता देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इन सभी चीजों के बारे में सोचने नहीं है। आपको जितना ज्यादा हो सके सिर्फ काम करना है, जितना ज्यादा तुम काम करोगे, जितना ज्यादा तुम मेहनत करोगे, जितना ज्यादा तुम कोशिश करोगे, उतने ही ज्यादा आप कामयाब हो पाओगे। देखो जिंदगी में ना हार जीत लगा रहता है, अभी आप कोई भी चीज ट्राई करोगे तो आपको असफलता मिलेगी, कोई भी चीज ट्राई करोगे आपको नाकामी मिलेगी, तो नाकामी के डर से, असफलता के डर से
आपको कोशिश करना नहीं छोड़ना है, आपको तब तक नहीं रुकना है, आपको तब तक जो है मेहनत करते जाना है, अपना 100% देना है। किसी भी चीज में हो आपको 100% देना ही पड़ेगा। अगर आप 100% दोगे तो ही आपको जो है वापस से 100% रिजल्ट जो है देखने को मिल पाएगा। अगर आप 100% नहीं दोगे तो आपको 100% रिजल्ट जो है नहीं मिल पाएगा। तो जिंदगी यही है, कोशिश ही हमेशा करते रहना, कोशिश ही आपको कामयाबी दिलाएगा। और कभी भी हारना मत, हार के डर से कोशिश करना छोड़ना मत। और एक और चीज है, कभी भी ना अपने आप को कभी किसी से कंपेयर ही मत करना कि हमसे ज्यादा परसेंटेज वाले स्टूडेंट हैं, इनका ज्यादा परसेंटेज है, हमसे उनसे बहुत कम परसेंटेज है हमका हमारा, तो हम जो है आगे कहाँ से बढ़ पाएंगे, हम जो है आगे किस तरह से सर्वाइव कर पाएंगे, किस तरह से हमारी जिंदगी जो है बेहतर हो पाएगा, किस तरह से हमारा भी एक नाम होगा, किस तरह से हमें भी नेम फेम पैसा मिलेगा। इन सभी चीजों के बारे में आप जो है सोचते होंगे, तो कभी भी ये सोचना नहीं है कि हम आगे बढ़ पाएंगे या फिर नहीं बढ़ पाएंगे। मैं यही बोलता हूँ कि बस कोशिश करते जाइए, चलते जाइए। जितना ज्यादा आप कोशिश करोगे, जितना ज्यादा आप प्रयत्न करोगे, जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे, उतने ही ज्यादा आप आगे बढ़ पाओगे, देन उतने ही ज्यादा आपको सफलता देन मिल पाएगा। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए सबसे बड़ी अपडेट है, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जो है बन चुके हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो महतारी वंदना योजना आप सभी के लिए शुरू होने वाला है। जी हाँ, महतारी वंदना योजना, जिससे कि छत्तीसगढ़ के सभी विवाहित महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1,000 रुपये की राशि आपके बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफर किए जाएंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, जिससे छत्तीसगढ़ के सभी महिलाओं को थोड़ा आर्थिक सहायता जो है मिल पाएगा, और वो भी उनकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ा सही हो पाएगा, अपने राशन सामग्री ले सकते हैं छत्तीसगढ़ के सभी विवाहित महिलाएं। जी हाँ, महतारी वंदना योजना में 1 महीने में 1,000 रुपये और 12 महीने में कुल टोटल 12,000 रुपये की राशि आपके बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आप सभी के लिए ही जितने भी अपडेट होते हैं, जितने भी घोषणा पत्र होते हैं, जितने भी मैनिफेस्टो होते हैं, वो हर एक चीज काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जी हाँ, आई होप जितनी भी जानकारी, जितनी भी अपडेट मैंने आप सभी को बताया, सभी अपडेट के बारे में बताया, सभी जानकारी, सभी अपडेट आप सभी को पसंद आया हो। अगर मेरे द्वारा दी गई हुए सभी जानकारी, सभी अपडेट अगर आप सभी को पसंद आया हो, वीडियो से अगर आप सभी को अच्छा लगा हो, सो प्लीज जो है वीडियो को जो है लाइक करना। जी हाँ, वीडियो को जो है लाइक करना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना, एंड प्लीज वीडियोस को जितना ज्यादा हो सके आपको शेयर करना है। जी हाँ, जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक, बाकी लोगों तक वीडियो जो है पहुंच सके, उन्हें भी नए नए चीज़ों के बारे में, ताकि उन्हें भी नई नई अपडेट के बारे में वीडियोस जो है मिल सके, उन तक भी वीडियोस पहुंच सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद आप सब।